हेलो फ्रेंड, आज बनाएंगे अफ़गानी अंडा करी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अफ़गानी अंडा करी बनाने के लिए मैंने 6 अंडे ले लिए हैं। इनको मैं पहले उबाल लूँगी, नमक डालकर उबालूँगी। नमक डालकर उबालने से अंडे हमारे टूटते नहीं। अंडे को मैंने साइड में कर दिया है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। अफ़गानी अंडे करी की मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल को यहाँ पे थोड़ी डालना है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑयल हमारा गरम हो गया है। मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए, 10-11 मिर्चें ले लिए हरे, और थोड़े से काजू ले लिए। काजू से क्या होता है कि ग्रेवी का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रीमी क्रीमी सा। इसको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ। 1 स्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आपके पास अगर पेस्ट नहीं है तो आप खड़ा लहसुन अदरक डाल दीजिएगा। 10-12 लहसुन की कलियाँ डाल दीजिएगा और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिएगा। अब मैं इन मसालों को ढककर पका ले रही हूँ। अब मसालों को चेक कर लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब गैस को बंद करे दे रहे हैं। मसालों को ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। साथ में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर पीस लेते हैं, तो उसका ग्रीन कलर इसका बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैंने बिल्कुल स्मूथ पीस लिया है। इसका आप टेक्सचर देखिए, इतना स्मूथ होना चाहिए। एक पैन ले लेते हैं, इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, आप अपनी पसंद के ऑयल से बना सकती हैं। जितना ऑयल मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से ऑयल ले रही हूँ। आप ऑयल कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मसाले आप बिल्कुल सेम डालिएगा जैसे मैंने डाले हैं, क्योंकि मसाले अगर थोड़े से भी इधर उधर हो जाते हैं तो हमारी ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले पड़ेंगे। 1/2 स्पून ज़ीरा, थोड़ी सी जावित्री, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ताएँ छोटे छोटे, थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है। दालचीनी को बहुत कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो टेस्ट होता है हाईलाइट हो जाता है, तो हमारी कोई भी ग्रेवी होगी कड़वी हो जाएगी। तो आप किसी भी ग्रेवी में दालचीनी का इस्तेमाल कम करें। गर्म मसाले में भी दालचीनी होती है, और आप इसमें भी यहाँ पे भी ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अब इनको मैं ऑयल में डाले दे रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब ये खड़े मसाले डाल देते हैं। साथ में लो फ्लेम करके ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आया, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा, बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून के बराबर। अब इसको लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेते हैं हल्दी डालकर। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अंडे हमारे उबल चुके हैं। फोक से क्या करूँगी, गहरे गहरे से ऐसे छेद कर दूँगी। छेद करने से इन्हें फ्राई करने में भी आसानी रहती है। तो इस तरह से मैं सारे अंडों में गहरे गहरे छेद करना है, ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो चलिए अंडों को फ्राई कर लेते हैं। मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है जिसमें मैंने मसाला बनाया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसी में मैं अंडे फ्राई कर ले रही हूँ। अंडों को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा अंडे में नमक डाल देते हैं, ताकि नमक का फ्लेवर अच्छे से आ जाए अंडों में। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो अब गैस बंद करती हूँ, अब ग्रेवी को देख लेती हूँ। 4 स्पून के बराबर दही ले लिया है। दही में मैं क्या करूँगी, 2 स्पून धनिया पाउडर मिला दूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें, इससे कि हमारा दही ना फटेगा नहीं बिल्कुल भी। ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। आपको लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा है, लेकिन ये ऑयल बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट या होटल में खाती हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी ऑयली होती है बाज़ार की। उसी तरह मैं बाज़ार जैसी बना रही हूँ, और जब सबको थोड़ा थोड़ा सा दिया जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी आएगी। ये यहीं पर मैं होममेड मिल्क क्रीम डाले दे रही हूँ। वो चला लेते हैं जल्दी से, ताकि क्रीम हमारी फटे ना। अगर आप घर की क्रीम नहीं रखती हैं तो आप बाज़ार की मंगा सकती हैं, लेकिन घर की क्रीम अच्छी होती है, फ्रेश क्रीम होती है, तो इसलिए मैं घर की क्रीम का ही यूज़ करती हूँ।
अब मैं ये अंडे भी डाल के दे रही हूँ। अब क्या करेंगे, अपना होममेड गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। तो आप देख सकती हैं कितनी बेहतरीन हमारी ग्रेवी बनी है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी को फ्राई पैन में रोस्ट कर लिया था, इसको क्रश थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी को मैंने डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इसको अगर थोड़ा सा पतला करना चाहती हैं तो आप इसको पतला थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन ये जो ग्रेवी होती है थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। अंडों के साथ इसको दो से तीन मिनट तक पका लेते हैं ताकि अंडों में इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।